हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंटर्स। प्रिंटर्स में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में हमने लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है करेक्टर प्रिंटर। ठीक है, तो करेक्टर प्रिंटर क्या होता है? करेक्टर प्रिंटर एक टाइम पर एक करेक्टर को प्रिंट करता है। लाइन में हमने पढ़ा था कि वो एक टाइम पे एक सिंगल लाइन को प्रिंट करता है, लेकिन इसमें ये ओनली एक करेक्टर को प्रिंट करेगा एक टाइम पे। द प्रिंट हेड कंटेन्स ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। इस प्रिंटर में जो हेड होता है प्रिंट का, उसमें मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स का मैट्रिक होता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक एग्जाम्पल बताया उन्होंने इस पिक्चर में, देखिए ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इट हैज़ एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रिंट्स इन ए वेरिड फॉन्ट्स। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक ऐसा फीचर होता है कि हम अलग अलग फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट्स की मतलब स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इट कैन प्रिंट पेपर्स इन अ कंटिन्यूस मैनर, फ्रॉम बैनर्स टू पोस्टर। एनीथिंग कुड बी प्रिंटेड वाया दिस पेपर इज ए हैसल फ्री मैनर्स, दीज आर ऑल्सो नॉइजी। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जब प्रिंट होता है तो ये कंटिन्यू तरीके से होता है। एक बार इसके अंदर पेपर डाल दिया तो वो पेपर अपने आप ही अप एंड अप होता जाएगा, आगे आगे वो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि पेपर एक लाइन प्रिंट कर दी तो पेपर दोबारा से मतलब दोबारा से ऊपर करना पड़ेगा, फिर दूसरी लाइन के लिए दूसरा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यू तरीके से पेपर प्रिंट होता है। ठीक है, बड़े पोस्टर इसमें बना सकते हैं हम। और डॉट मैट्रिक्स में डॉटेड की फॉर्म में आता है। ठीक है, जो क्वालिटी होती है प्रिंट करने की वो डॉटेड की फॉर्म में होता है, पॉइंट्स की फॉर्म में स्टाइल बनते हैं इसमें। ठीक है, और ये भी बहुत आवाज़ करते हैं। ठीक है, जब ये इस पर हम प्रिंट निकालते हैं डॉट मैट्रिक्स में तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है प्रिंट करते टाइम। ठीक है, तो ये थे इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने पढ़ा था कि इसमें एक हैमर मान लो या एक प्रिंट एलिमेंट मान लो जो रिबन पे टकराता है और उसकी वजह से ही पेपर पे प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में ऐसा कोई हैमर नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई रिबन नहीं होता कि वो पेपर से टकराएगा और प्रिंट होएगा। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी और होती है। इसमें लाइक जैसे या तो लेज़र का यूज़ होता है या दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के दो मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है इंकजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ठीक है, इंकजेक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? इंकजेट प्रिंटर जनरेट करेक्टर बाय शूटिंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर। तो इंकजेक्ट प्रिंटर में कैसे प्रिंट हो जाएगा, वो पेपर पे कुछ ड्रॉप्स इंक की डालता है और उसी से ही करेक्टर बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू स्प्रे द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। अब इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती है कि किस तरह ड्रॉप्स को उस पर डाला जाए पेपर पे। ठीक है, किस तरह ड्रॉप्स को डाला जाए कि वो पेपर पे प्रिंट होए, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज ये है कि इज द मोस्ट देम आर इनएक्सपेंसिव। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये महंगे नहीं होते, ये सस्ते होते हैं। ठीक है, इवन द चीपेस्ट इंकजेट प्रिंटर आर सेटिस्फैक्टरी फॉर द मोस्ट ऑफ नीड्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यूज़र। अब ये इतने जैसे सस्ते होते हैं कि एक हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। अनदर एडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज दैट दे आर लाइट वेट एंड मॉडेस्ट डेस्कटॉप फुटप्रिंट। और दूसरा एडवांटेज है कि इनका वेट बहुत कम होता है, हैवी नहीं होते, और इसमें प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो इस इंकजेक्ट प्रिंटर में यूज़ की जाती है। मैनी मॉडल्स ऑफ आर इजी टू ट्रांसपोर्ट आल्सो, एंड द कॉपी फ्रॉम एन इंकजेक्ट प्रिंटर नीड्स ए लिटल टाइम टू ड्राई। ठीक है, अब इसको हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमी है कि जब इस पे पेपर पे प्रिंट निकलता है तो उसको सूखने के लिए कुछ टाइम लगता है। ठीक है,
जैसे आपने कभी कलर्ड प्रिंट आउट निकाला होगा, ठीक है, तो कलर्ड प्रिंट आउट जब निकलता है तो थोड़ा पेपर वो गीला होता है, ठीक है, उसको 1 या 2 मिनट तक सूखने के लिए रखते हैं, तो वही होता है इंकजेट प्रिंटर कि इसको ड्राई होने के लिए कुछ टाइम लगता है। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर कौन से होते हैं, ये पिक्चर देखिए, ये होते हैं लेज़र प्रिंटर, ये भी आपने देखे होंगे, ये इंकजेट प्रिंटर का एग्जांपल है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट पेज एट ए टाइम, लेज़र प्रिंटर होता है वो एक टाइम पे एक पेज को प्रिंट करता है। दे यूज़ ए लेज़र डायोड टू राइट इन्फॉर्मेशन ऑन टू ड्रम कोटेड फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब इसमें एक लेज़र डायोड का यूज़ होता है, ठीक है, लेज़र डायोड का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन राइट करने के लिए ड्रम के ऊपर जो कोटेड होता है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से। व्हेन दिस मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लेज़र बीम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज प्रोड्यूस। जब भी एक जो मटेरियल है वो लेज़र बीम के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होएगा। स्पेशल इंक इज स्प्रिंकल्ड ऑन ड्रम विद स्ट्राइस टू द चार्ज एरिया ऑफ द ड्रम फॉर्मिंग द इमेज। अब इसमें इंक होती है, पाउडर वाली इंक यूज़ होती है, ठीक है, तो पाउडर वाली इंक जो इसके अंदर फिल की जाती है जिसको टोनर भी बोलते हैं, तो वो ये इंक ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल की जाती है, ठीक है, ड्रम के ऊपर लग जाती है और जैसे ही ड्रम जो चार्ज एरिया पे स्ट्राइक करेगा तो पेपर पे वो इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। एज द ड्रम रोटेट द पेपर इज रैप्ड अराउंड इट एंड द इमेज इज प्रिंटेड ऑन द पेपर। अब इस प्रिंटर के अंदर जो ड्रम होता है वो घूमता है, ठीक है, ड्रम घूमेगा, ड्रम के ऊपर जो पाउडर वाली इंक है वो स्प्रिंकल की जाती है, मतलब ड्रम लग जाती है, तो जैसे जैसे ड्रम घूमेगा तो इसके अंदर जो पेपर भी घूमेगा, ठीक है, तो पेपर ड्रम के साथ लगेगा तो जो भी इमेज राइट करनी होती है, मतलब जो भी लाइन या जो भी करेक्टर जो प्रिंट करना होता है वो पेपर पर प्रिंट हो जाता है। रोलर्स एंड हीटर्स आर यूज टू फ्यूज द इंक ऑन द पेपर। अब ड्रम से पेपर पे इंक लगेगी तो उसको सूखने के लिए भी चाहिए होता है, तो ठीक है, तो इसमें एक हीटर होता है, ठीक है, तो हीटर रोलर का यूज़ किया जाता है, जो भी इंक पेपर पे लगती है उसको सुखाने के लिए और उसको फ्यूज़ करने के लिए। तो कभी आपने नोटिस किया हो जब आप फोटोकॉपी निकालने जाते हो, ठीक है, तो जब भी फोटोकॉपी निकालते हैं वो पेपर गर्म होता है, बाहर निकलता तो वो गर्म होता, क्यों निकलता, क्योंकि उसमें हीटर का यूज़ किया जाता है। हीटर का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो भी उसमें इंक लगती है वो उसको फ्यूज़ करे, मतलब उसको पेपर पे चिपका दे ताकि हाथों पे वो ना लगे। कलर्ड लेज़र प्रिंटर गिव्स ए प्रिंट आउट ऑन ए पेपर इन फोर कलर्स एज वी गेट इन एक्चुअल प्रिंटिंग प्रोसेस। अब लेज़र प्रिंटर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट भी आते हैं और कलर्ड भी आते हैं, ठीक है, तो कलर्ड लेज़र प्रिंटर 4 कलर यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हीं 4 कलर्स में वो प्रिंट आउट देते हैं। नाउ डेज इट यूज्ड इवन बाय फोटोग्राफर्स टू मेक कॉपीज ऑफ फोटो क्लिक्ड बाय द डिजिटल कैमरा। आजकल फोटोग्राफर्स भी इन प्रिंटर का यूज़ करते हैं, जैसे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवाने जाते हो तो वो इन्हीं लेज़र प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, ठीक है, डिजिटल कैमरा से फ़ोटोज़ लेके और इन्हीं प्रिंटर से वो प्रिंट आउट निकलते हैं। तो बच्चों ये थे प्रिंटर्स के टाइप, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है और याद करना है। इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा, इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन आंसर मैंने पिछली बार आपको भेज दिए थे लिख के, तो आगे वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको इस वीडियो के साथ भेजूंगा, तो वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है। थैंक यू बच्चों।